जिले में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां बदमाश सोने आवासों के ताले तोड़कर सोना चांदी के जेवर पार कर देते हैं, वहीं घरों के बाहर खड़ी फोर व्हीलर गाड़ियां भी चोरी होने लगी हैं। विगत दिनों विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरनगर से फोर व्हीलर वाहन चोरी हो गया था। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तलाश कर रही थी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए और कार भी बरामद हो गई। बताया जाता है कि वाहन मालिक लगभग 15 दिन से बाहर थे, जबकि उनकी कार घर में खड़ी थी, जिसे बदमाशों ने चोरी कर लिया था। उक्त गाड़ी की चोरी की घटना में मकान मालिक का कहना है कि उसके किरायेदारों की भूमिका संदिग्ध है। आइए सुनते हैं वाहन मालिक के साथ विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को, उन्होंने पूरी घटना के संबंध में क्या बताया है। घटना क्या, पूरी घटना 19 तारीख की घटना है। ये कहां से गाड़ी चोरी हुई थी? हमारे घर के गेट के पास खड़ी थी, शाम को लगभग 8 बजे बता रहे हैं कि लोग गए थे, हम लोग बाहर गए हुए थे, 15 दिन से हम लोग घर में नहीं थे। तो ये अभी सब मुलजिम 4 पकड़ गए हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब क्या वो गेट से ही मतलब घर के हमारे किराएदार के पीछे हमारे साथ में रहते हैं, उन्हीं का हाथ गाड़ी बरामद हो गई। गाड़ी बरामद हो गई हमारी जी। कहाँ पर, कहाँ घर है आपका? सुंदरनगर। कितने बजे घटना हुई ये? हमको, हम तो नहीं थे घर में, हम लोग 15 दिन से बाहर थे, हम लोग 20 को लौटे हैं। तो 19 तारीख को लगभग 8 बजे शाम की घटना है बता रहे हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? स्विफ्ट डिजायर। 19 तारीख को अजय सिंह जी बाहर थे, नासिक गए हुए थे, सुंदरनगर निवासी हैं। वो जब बाहर से लौटे तो उन्हें एक गाड़ी नहीं मिली अपनी। आसपास पता लगाए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि गाड़ी की चोरी हो गई है, जिस पर 21 अगस्त को रिपोर्ट हुई। फरियादी और हमारी पुलिस दोनों ने मिलकर सतत रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो ये गाड़ी के चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जब उनको अपने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और गाड़ी चुराहट में जा कर के बरामद हुई। इसमें दो आरोपी जो हैं वो नाबालिग हैं, वो बाल अपचारी हैं, एवं तीन, एक आर्यन सिंह, दूसरे अमन सिंह और तीसरे प्रशांत सिंह, इन्होंने गिरफ्तार हो गए हैं। अभी इनके एक दो साथी और अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं, जल्दी हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे।